ब्लैक क्लोवर हमें सिखाता है कि हमें क्यों जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हिच विलेज के एक चर्च को दिखाया जाता है। इस चर्च के फादर को दो अनाथ बच्चे मिलते हैं और उन दो बच्चों के शर्ट पर ही उन दोनों का नाम लिखा हुआ था। ये शांत वाला बच्चा है यूनो और ये शरारती बच्चा है आस्था। इसके बाद हमें डायरेक्टली 15 साल बाद वाला सीन दिखाया जाता है। आस्था अब बड़ा हो चुका है। वो इस चर्च के सिस्टर लिली को बार बार रिक्वेस्ट करता है कि मुझसे शादी कर लो, पर यूनो आकर उसे रोकता है। आस्था कहता है, तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो यूनो? यूनो कहता है, क्योंकि तुम बच्चे बेहुदा और बेवकूफ हो और तुम किसी तरह से भी लड़कियों को आकर्षित नहीं कर सकते हो। ये बातें आस्था के दिल पे लगती है। फिर यूनो कहता है, आस्था लिली एक सिस्टर है इसलिए वो शादी नहीं कर सकती, क्योंकि चर्च के सिस्टर शादी नहीं करते हैं और तुम 15 साल के हो तो तुम भी शादी नहीं कर सकते। आस्था कहता है, बेवकूफ यूनो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। यूनो कहता है, नहीं, इसे सिर्फ समय की बर्बादी होगी। आस्था मैजिक यूज करने का कोशिश करता है, पर ये क्या, इस मैजिक की दुनिया में जहाँ हर किसी के पास मैजिक है, वही आस्था के पास जरा सा भी मैजिक नहीं है। नास नाम का एक बच्चा कहता है, बेवकूफ कहिका, इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, ये हमारा कुदरती हुनर है। मैंने तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं देखा है जिसे मैजिक का इस्तेमाल ना आता हो। आस्था कहता है, तो मैं तुम्हें अपना असली ताकत दिखाता हूँ। ये सुनकर सब शक हो जाते हैं। फिर आस्था तेजी से एक्सरसाइज करने लगता है। सबको आस्था बहुत फनी लगता है। वही दूसरी ओर यूनो अपने कमाल के विंड मैजिक से सबकी मदद करता है। आस्था को उदास देखकर सिस्टर लिली कहती है, अवार्ड सेरेमनी आ रहा है, शायद तुम्हें अपनी ग्रिमोर यानी जादू की किताब मिल जाए। आस्था बहुत खुश हो जाता है। उसके आंखों में तारे चमकने लगते है। वो उठकर कहता है, मुझे बस ऐसी ग्रिमोर मिल जाए जिसकी मदद से मैं मैजिक नाइट्स में शामिल हो सकूंगा और फिर मैं ही बनूंगा विजार्ड किंग और इस पुराने गंदे चर्च को ठीक कर दूंगा। फादर गुस्सा होकर कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे पुराना और गंदा कहने की? आस्था कहता है, ठीक है ना यूनो? पर यूनो थोड़ा शांत रहता है और फिर वो आस्था को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। आस्था कहता है, तुम बस इंतजार करना यूनो, ऐसा कहकर वो दुखी होकर वहाँ से भाग जाता है। सिस्टर लिली यूनो के पास आकर कहती है, यूनो क्या तुम आस्था के साथ अच्छे से पैसा नहीं सकते? तुम्हें याद है तुम दोनों हमेशा एक साथ रहते थे जब तुम छोटे थे। फिर सिस्टर लिली अपने मन में सोचती है, यूनो पहले एक रोता हुआ बच्चा था, जब आस्था उन भयानक चोटों के साथ वापस आया यूनो फिर कभी नहीं रोया। यूनो कहता है, मैं आस्था के साथ अच्छे से पैसा नहीं सकता। सिस्टर लिली थोड़ा शौक होकर सोचती है, उस दिन से आस्था दुखी होकर हमेशा घर से बाहर चला जाता है। मुझे हैरानी होती है कि वो वहाँ बाहर क्या करता है। आस्था बाहर पुशअप करता है और मोगरो लिप्स के जूस को पीता है और कहता है, मैं एक विजार्ड किंग बन के ही रहूंगा। अवार्ड सेरेमनी का दिन आ गया। इस दिन 15 साल वाले बच्चों को उनका क्रिमोर मिलता है। क्रिमोर टावर में आस्था खुश था कि उसे आज एक क्रिमोर यानी जादुई किताब मिल जाएगा। यहाँ कुछ अमीर लोग भी होते हैं जिन्हें लगता है कि किसानों को कोई क्रिमोर नहीं मिलना चाहिए। उनमें से एक कहता है, मैंने सुना है कि इस पूरे किंगडम में एक लौता इंसान यहाँ रहता है जो जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता। सडनली क्रिमोर टावर के मास्टर अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं, हमें कभी इस टाउन से कोई विजार्ड किंग नहीं मिला, ना ही कोई मैजिक नाइट। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप में से कोई विजार्ड किंग बने। सभी क्रिमोर उठकर अपने यूजर को चुनते हैं। सब लोग अपने क्रिमोर को पाकर बहुत खुश होते हैं। तभी आस्था कहता है, क्या मेरा क्रिमोर लेट में आने वाला है? उसे क्रिमोर ना मिलने की वजह से वहाँ मौजूद सभी लोग उस पर हंसते हैं। तभी सबकी नज़र यूनो पर जाता है। उसे एक 4-लीफ क्लोवर वाला क्रिमोर मिला था। नॉर्मल क्रिमोर तो 3-लीफ क्लोवर वाला होता है। इसे देखकर सब चौंक जाते हैं। फादर कहते हैं, ऐसी क्रिमोर तो फर्स्ट विजार्ड किंग को मिली थी। ये क्रिमोर शक्ति और अच्छी किस्मत के प्रतीक है। वो अमीर लोग भी ये देखकर चिढ़ जाते हैं। भला एक किसान के पास ऐसा लेजेंडरी क्रिमोर क्यों है? यूनो कहता है, मैं बनूंगा विजार्ड किंग। सबको उसके बातों पर भरोसा होता है। आस्था अभी भी हार नहीं मानता है। वो यूनो को कहता है, मैं तुम्हें एक दिन पीछे छोड़ दूंगा यूनो, क्योंकि मैं तुम्हारा राइवल हूँ। सब हंसने लगते है। इसे क्रिमोर भी नहीं मिला, बड़ा आया राइवल बनने। यूनो कुछ ना कहकर सिंपली आस्था को इग्नोर करके वहाँ से बाहर चला जाता है। फादर कहते हैं, चलो बच्चों, जश्न की तैयारी करते हैं। उसी क्रिमोर टावर में एक खतरनाक आदमी होता है जो कहता है, कितनी लाजवाब चीज मिली है इस छोटे से बेकार टाउन में। सीन शिफ्ट होता है, आस्था को दिखाया जाता है। वो कहता है, मुझे लगा एक बार मुझे क्रिमोर मिल जाए तो मैं जादू का इस्तेमाल कर सकूंगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे क्रिमोर भी नहीं मिलेगा। वो यूनो को याद करके कहता है,
लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी। चाहे एक, दो, दस या सौ साल ही क्यों ना लग जाए, मुझे क्रिमोर मिलने तक मैं कड़ी मेहनत करूंगा। मैं विजार्ड किंग बनूंगा और सभी को साबित करूंगा कि कोई भी ये कर सकता है, फिर चाहे वो गरीब या अनाथ क्यों ना हो। तो बस इंतजार कर यूनो। इधर यूनो को फोरलिप क्लोवर मिलने के जलस में वो अमीर बच्चे उसके ऊपर हमला करते हैं, पर यूनो चुटकियों में उनके हमले को बेअसर कर देता है। फिर वो दोनों यूनो से उसका क्रिमोर मांगते हैं। तभी कोई उन अमीर बच्चे को चेन से बांध कर कहता है, मैं तुम्हें वो लेने नहीं दूंगा। यूनो पूछता है, तुम कौन हो? वो आदमी कहता है, पहले मैं राक्षी तो चेन मैजिक नाम से एक सुंदर मैजिक नाइट था, लेकिन मुझे निकाल दिया गया, तो अब मैं एक सातिर चोर हूँ। वो यूनो को चेन से जकड़कर उसका क्रिमोर ले जाता है। यूनो कहता है, तुम्हारा नाम राप्ची है ना, तुम बेकार में ही इसे चुरा रहे हो, क्योंकि राप्ची कहता है, क्योंकि सिर्फ वही क्रिमोर का इस्तेमाल कर सकता है जिसे खुद क्रिमोर ने चुना हो। पर फिर भी अंडरग्राउंड कलेक्टर्स क्रिमोर्स खरीदते है, फोरलिप क्लोवर वाला तो बहुत कीमती है, इसने शायद तुम्हें चुना हो, पर तुम अभी छोटे बच्चे हो। ओए, ये लॉकेट तो बहुत अनमोल लगता है, मुझे लगता है मुझे इसे ले जाना चाहिए। तभी एंट्री होती है आस्था की। वो उस अमीर लड़के को कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है, मैं तुझे बचाने आया हूँ। फिर वो दूसरी तरफ घूमकर कहता है, तू कौन है बे, यूनो की क्रीमर तेरे पास कैसे आई, तूने इसे क्यों लिया कमीने चोर। राप्ची कहता है, अबे तू तो वही छोटा बच्चा है ना जिसे आज क्रीमर नहीं मिली। आस्था कहता है, तो तुझे याद है क्रिमोर जिसे मिलती है वो उसके लिए बहुत कीमती होती है, इसे यूनो को वापस कर कमीने। राप्ची बहुत हंसता है और अपने चेन मैजिक को एक्टिव करता है। यूनो कहता है, भाग जाओ आस्था, पर आस्था साहस के साथ आगे बढ़ता है। राप्ची अपने चेन मैजिक से उसके ऊपर दर्दनाक हमला करता है। आस्था हार मानने लगता है और कहता है, ये ताकत, मैं उसे हरा नहीं सकता अपनी इस ताकत से। राप्ची उसके ऊपर पैर रख कर कहता है, शुक्रिया बच्चे इस बेकार सी लड़ाई के लिए। आस्था फिर कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं विजार्ड किंग बनूंगा। ये सुनकर राप्ची बहुत हंसता है और कहता है, तुम बनोगे विजार्ड किंग? मैं अपनी इन जंजीरों से पता लगा सकता हूँ कि किसके पास कितना मैजिक है, तुम्हारे अंदर तो जरा सा भी मैजिक नहीं है, तुम बिना जादुई शक्ति के साथ पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें क्रिमोर भी नहीं मिली। आस्था फिर से हार मानने लगता है और सोचता है, मैं चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करूं, मैं जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा। राप्ची कहता है, तुम्हारा जीनियस दोस्त भी तुम्हारा मजाक उड़ाता होगा। आस्था सोचता है, ये सच है, यूनो जीनियस है, इसलिए फोरलिप क्लोवर ने उसे चुना। जब फाइनली आस्था पूरी तरह से हार मानने लगता है, तब यूनो राप्ची को कहता है, ओए तू कौन है उसे लूजर कहने वाला? आस्था ये सच है कि तुम विजार्ड किंग नहीं बनोगे, क्योंकि मैं बनूंगा विजार्ड किंग और वो लूजर नहीं है, आस्था मेरा राइवल है। ये सुनकर आस्था चौंक जाता है। राप्ची फिर से उसका मजाक उड़ाता है। आस्था उठता है और कहता है, यूनो मुझे माफ करना, मैं अभी इस कमीने को मजा चखाता हूँ, बस एक सेकेंड। तभी आस्था को एक क्रिमोर मिलता है, फाइव लिप क्लोवर वाला क्रिमोर। यूनो कहता है, मुझे पता था ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आस्था चुना ही ना गया हो। इस क्रिमोर से एक तलवार बाहर आती है। राप्ची ये देखकर कहता है, ये किस तरह का क्रिमोर है? इस दुनिया में थ्रीलिप क्लोवर मतलब उम्मीद, प्यार और विश्वास है। फोरलिप में एक और चीज आड़ होती है और वो है अच्छी किस्मत, और फाइवलिप क्लोवर प्रतीक है एक डेविल का। आगे क्या होगा, इस सस्पेंस के साथ ब्लैक क्लोवर का फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ।